हम लोग यहाँ पे ड्यूटी करने से डर रहे हैं। हम लोगों को सेफ्टी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के बगैर हम काम नहीं कर पाएंगे। आने वाले टाइम में हम भी डॉक्टर बनने वाले, बट अगर ऐसा कुछ होना है तो हम क्यों करें इतनी मेहनत। बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं, एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड, एक्सट्रीमली हर्ट। हम लोग यहाँ सुबह से वेट कर रहे हैं, सब लोग, स्टाफ, नर्स, डॉक्टर, सब लोग, और उन्होंने जो कहा आप सबने सुना, द फर्स्ट रीजन दैट शी गेव दैट कि वो एक महिला है और सिक्योरिटी रीजन के लिए वो यहाँ नहीं थी। सेफ्टी हो, सिक्योरिटी हो, चाहे कोई मेल डॉक्टर हो चाहे कोई फीमेल डॉक्टर हो। This is not human thing that whatever this crime has done, that people have done, whoever they are behind this thing, this is not human. Everyone wants justice because these things are not, you can't accept it. You can't accept this kind of crime in this country. We are afraid of going out. It is not one day situation. This is what we feel every day. This city, this country belongs to us. You cannot dictate us when to go out, what to wear, what to eat, how to behave, how to talk, how to smile, how to laugh. Enough is enough. After the incident, do you think that we are in a mental state to even address what happened? That incident shook us to the core. We are scared. We are afraid of going out. It is not one day situation. This is what we feel every day. We are traveling in the metro. We are traveling in the bus. We feel unsafe everywhere. It's not about a night. It's not about a day. It's every day. Being a woman, you know, you step out of your house, the first thing you remember that we have to be home back within some certain time, else God knows what can happen with us. That is a fear we live with, you know. Why did you choose the midnight? What? Why you people choose midnight, coming here at midnight? Because we thought that, you know, maybe the entire day because today is 15 August and yesterday the movement was after 11:55. So we continued with the thing that let's just keep it after 11. It will be easier because we do not want to block the roads in the morning and some other time. So, yeah, that is the reason we chose this midnight, almost midnight. कल जो हुआ वो आप सबको पता है, जो भी यहाँ पे जो नारकीय कांड हुआ है उस सबको पता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे ड्यूटी करने से डर रहे हैं। हम लोगों को सेफ्टी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के बगैर हम काम नहीं कर पाएंगे। हम कर रहे हैं, अभी भी ड्यूटी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वार्ड को छोड़ के, ऐसे अकेले छोड़ के, पेशेंट लोग को छोड़ के हम लोग आ गए, ऐसा नहीं है। पेशेंट लोग के पास भी हमारे नर्सिंग स्टाफ है और हम लोग यहाँ पे ये धरना कर रहे हैं, ये सब लिख के रखे है। और हम लोग मैडम को बोले हैं, जो प्रिंसिपल है उनको बोले हैं कि हम लोग को प्रॉपर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी दीजिए, वरना हम लोग ड्यूटी नहीं कर पाएंगे। उनके तरफ से बोला गया है कि वो लोग दूसरे हॉस्पिटल से लोन करके सिक्योरिटी लाएंगे, तो ये हम सिक्योरिटी में बोला है सिविक पुलिस लाएंगे, तो ये हम लोग मानने के लिए तैयार नहीं है।
ये हम लोग का डिमांड नहीं है। हम लोग सीआरपीएफ मांग रहे हैं, डिमांड वही है कि प्रॉपर सिक्योरिटी चाहिए। सिविक पुलिस से कुछ नहीं होता है। वो लोग अंदर से ताला बंद कर दिए तो हम लोग भी बाहर से ताला बंद कर दिए कि हम लोग से वो डर रहे, तो हम लोग भी उनको बोल रहे हैं कि अगर हम लोगों से उनको खतरा है तो उन लोगों से भी हमको खतरा है, इसलिए हम लोग भी बंद कर दिए उनको। एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड, एक्सट्रीमली हर्ट। हम लोग यहाँ सुबह से वेट कर रहे हैं, सब लोग, स्टाफ, नर्स, डॉक्टर, सब लोग, और उन्होंने जो कहा आप सबने सुना, द फर्स्ट रीजन दैट शी गेव दैट कि वो एक महिला है और सिक्योरिटी रीजन के लिए वो यहाँ नहीं थी। जब दूसरी बार उन्हें क्वेश्चन किया गया तब उन्होंने कहा कि उनके पास वाहन नहीं था आने का, तो वो चलकर नहीं आ सकती थी। तो हर सेकंड, हर मिनट उनका आंसर चेंज कर रहा है। और थर्ड आंसर था कि अगर आप लोग बात नहीं करेंगे तो मैं अंदर जा रही हूँ, और माइक्रोफोन हटा के वो अंदर चली गई। हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा और हमें आंसर्स चाहिए। हम यहीं रहेंगे, हमें आंसर्स चाहिए और हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा जब तक हमें जस्टिस नहीं मिलता। हम यहाँ पे जो ये कैंडल मार्च कर रहे हैं, आपको पता ही होगा क्यों हम कर रहे हैं, और वी वांट एक्चुअली जस्टिस। और जो अब कल हुआ वो बहुत ज्यादा, एक तो वो हॉरिफाइड इंसिडेंट था जो वहां पे कल हमने देखा, उसके बाद आई गेस हमें सबको एकजुट होकर अब हम जितने बड़े प्रोटेस्ट कर सकते हैं हम उतना करेंगे, बिकॉज वी वांट कि ऐसा किसी डॉक्टर के साथ ना हो। और आने वाले टाइम में हम भी डॉक्टर बनने वाले, बट अगर ऐसा कुछ होना है तो हम क्यों करें इतनी मेहनत, तो वी वोंट डू इट। हम चाहते हैं कि एक तो सिक्योरिटी बढ़ाई जाए सारे हॉस्पिटल्स में, जो हमारे हॉस्पिटल में कम करी थी पिछले कुछ सालों में वो बढ़ा दी जाए, और दूसरी चीज की सेफ्टी हो, सिक्योरिटी हो, चाहे कोई मेल डॉक्टर हो चाहे कि फीमेल डॉक्टर। सो वी वांट ओनली दिस थिंग।